का पूरा जो चेहरा है वो सूझा हुआ है, समझे ना महाराज। और जानते हैं अखंड महाराज जी के, अरे महाराज जी के बारे में कुछ आपको पिछले ब्लॉग्स में बताया था, तो ऐसे में आज आप सुनवाओ महाराज जी के कुछ चमत्कारों के बारे में। ये कहते हैं कि जब महाराज जी हमारे इस कटघरिया धाम में आए थे तो उसके बाद यहाँ पर बहुत सारे भक्त लोगों का चमवाड़ा जमने लगा। तो एक समय की बात है कि महाराज जी जब यहाँ पर विश्राम कर रहे थे और भंडारा चल रहा था, तो कुछ भक्तों ने कहा कि महाराज आइए अब भोग लगाना है महाराज भोलेनाथ जी को। तो महाराज जी के कमरे में जब गए तो देखा कि महाराज जी का पूरा जो चेहरा है वो सूझा हुआ है, समझे ना महाराज आपको क्या हुआ, ये तो ततैयों का काटा जैसा मुंह क्यों होंगे। तो महाराज जी बोले भैया किसी ने जो है बाबा भोलेनाथ के भंडारे को चख दिया है और उससे वो अपवित्र हो गया है, इसलिए सब कुछ हो गया। बोले महाराज आप क्या करें, तो बोले ऐसा है आप तब तक महाराज जी के लिए अलग से भोग बनाओ और मैं तब तक हरिद्वार से स्नान करके आता हूँ। सब लोग आश्चर्य करने लगे, यहाँ से हरिद्वार 250 किलोमीटर दूर और भाई इतनी जल्दी, और बोले कितने महीने में पहुंचोगे महाराज, पैदल पैदल अगर जाओगे तो। बोले मैं बस आया अभी। तो सब लोग सोच रहे कि महाराज जी ऐसे ही झूठ बोल रहे हैं। कुछ लोगों ने उस समय गुमान सिंह नाम के गुमानी बाबा कहते थे उनसे, एक गोलाबाद के एक बुजुर्ग जो बड़े परम भक्त और बड़े विश्वास पर थे, सभी लोगों ने बड़ा उनमें विश्वास करते हुए उनसे कहा कि महाराज आप देखो कि महाराज जी कहाँ जा रहे हैं। तो महाराज जी अपने इस मंदिर प्रांगण से थोड़ा सा आगे इस पर एक वटवृक्ष है, वहां पर आजकल नहर बहती है, उस वटवृक्ष के पास में। तो उस वटवृक्ष के पास गए तो महाराज जी ने पीछे मुड़ के देखा, बोले गुमानी मेरी परीक्षा लेने आए हो आओ फिर। तो कहा मतलब मेरे दोनों पाँव पकड़ लो और आंखें बंद कर लो। तो महाराज जी जैसे ही ऐसा बोला तो गुमानी जी ने उनके दोनों पैर चरणों को टाइट से पकड़ा और अपनी आंखें बंद करी और कहा गुमानी आंखें खोलो। तो देखते हैं कि वो सीधे हरिदार हड़की पड़े पे खड़े, तो वो उनकी आंखों से आंसू आ गए। बोले महाराज बोले हमें नहीं है जल्दी से डुबकी मार। तो पांच डुबकी लगाई महाराज जी ने, पांच डुबकी लगाई उन्होंने, बोला फिर पकड़ मेरे भाव और आंख बंद कर ले। और देखा कि पूरी क्षण बाद कोई यहाँ पर हमारे गढ़िया ना आ गए, सब लोगों ने कहा। तो बस गुमानी जी तो वसीम से उनके परम भक्त हो गए और जहाँ महाराज जाते बस सब कुछ उनको समर्पित कर दिया। परंतु आप सबको बताए कि संत महात्माओं के साथ जाने में थोड़ा घरगस्ती डिस्टर्ब होती है करके उनकी धर्म पत्नी की और उनसे अप्रसन्न रहने। एक बार उनकी भैया उड़द की जो है फसल पूरी तैयार थी और कुछ ही दिनों बाद वो काटने का समय था, रात्रि में जंगली जानवर आदि इंद्राए आदि ने जो है उसे खा जाते हैं करके वहाँ एक ऊंचा टान बना करके ऊंची झोपड़ी बना करके वहां पर जो है सब लोग महाराज जी को और गुमानी जी को भेजा गया वहां पर कि आप इसकी रक्षा करो। परंतु दोनों भगवत परिचर्चा में ऐसे खो गए कि उनको पता ही नहीं चला कि रात्रि में जो है यहाँ जानवर भी आकर के चढ़ गए। तो सुबह गुमानी जी की धर्मपत्नी जी वहां गई तो देखी पूरा खेत जो है सब जंगली जानवर चढ़ गई। उन्होंने बड़े अप्रसन्न स्थिति में दोनों को कहा ताकि भाई जोगी तो ये छेद है, तुम भी इनके साथ जोगी हो गए, अब बताओ मैं अपने बच्चों को क्या खिलाऊंगी। बड़ी मुश्किल से फसल में जो होता था वो तो सब चला गया। तो बाबा जी ने कहा देवी क्यों परेशान हो रही, क्या चाहिए तुम्हें, उड़द चाहिए ना। बोले हाँ। बोले लेकर क्या होता हूँ, वहाँ कुछ भी है वो काट के ले आओ। बोले वहाँ कहा है, वहाँ तो खाली ठंडे ठंडे पड़े। बोले ले आओ ना कोई दो चार, अगर कोई भी पेड़ मिलेंगे ले आओ। बेचारी फोन करके ले आई, इतना इतना कुछ मिले होंगे उन्होंने और रखा। बोले उठना शुरू कर दो नट से, अगर उन्होंने नट से उन्हें कुटाई करनी शुरू की तो देखते उड़दों के भंडार बोरे के बोरे उड़द, बोले जितने चाहिए उतने भर रहे। अब जब महाराज जी का ऐसा चमत्कार देखा तो फिर वो देवी के लिए अपने सब सामान साक्षात इतने चमत्कारी इतने महान मेरे गुरु के उन्होंने उनके चरण पकड़ लिए। बोले महाराज मैंने आपसे प्रसन्नता से बहुत शब्द भी कह दिया, आप क्षमा कर दीजिए, बस आज के बाद आप जहां इनको ले जाओ मैं वहां आपके साथ जाने में कभी मना नहीं करूंगी। जब आप स्वयं भोले बाबा हमारे साथ हैं हमें क्या हो सकता है। हम कहते हैं कि उस समय भोले बाबा जी हमारे हराखान महाराज जी उनको लेकर के यहाँ आए, गोला नदी से होते हुए जब आ रहे थे तो एक आधे गोला में जब पहुंचे थे तो ऐसे ही महाराज जी ने कहा बैठ गुमानी, तो सामने पर एक पत्थर था उसमें बिठाया उन्हें। फिर थोड़ी देर बाद उन्हें पत्थर को हटा, तो पत्थर हटाया तो देखते ही उसके नीचे सोना चांदी हीरा जवाहरात भरा। बोले भरने पहले सात तेलियों के खाने में देखते, तो जब इस प्रकार से कहा गया तो उन्होंने क्या किया, वो पत्थर को फिर से उस सोने चांदी के ऊपर से डाल। तो बोले जिसके पास ऐसे गुरु हैं, ऐसे मणि अनुपी मेरे गुरु हैं कि जो गोला के पत्थरों को मेरी मोती में बदल सकते हैं, मुझे ऐसे गुरु की जरूरत है, मुझे ऐसे संसार की कोड़ी पाई से कुछ नहीं देना। तब गुमानी ने कहा, गुमानी जी से कहा उस समय बाबा जी ने, कहा जहां जब तक मेरा नाम मेरे भक्तों का नाम रहेगा तब तक तुम्हारा भी नाम रहेगा और मेरे भक्तों में सर्वश्रेष्ठ स्थान तुमको मिलेगा। ऐसा कहकर के आज भी गोलापार में
कहते हैं कि महाराज जी के घर में महाराज जी का जो अनंत चिमटा था वो आज भी रखा हुआ है। सौभाग्यवश मैंने उनके गाँव में जगतपुर के पास में उनका गाँव है, मैंने वही एक बार भागवत कथा भी की थी, तो ये सौभाग्य हम सबको प्राप्त हुआ। और एक बार और बड़ा घटना कहते हैं कि भवानी जी जब उनका पूरा परिवार उनका भक्त हो गया, कहते हैं एक बार उनका एक भवानी जी का पोता, भवानी जी का पुत्र जो था 13-14 साल का, अकस्मात किसी कारण से उसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु हो गई तो सब उसके लिए जो भी दाह संस्कार का सामान था वो लाया गया, और इतवागन आप सब लोग उनके रोना धोना चल रहा था। उसी समय देखा कि खेतों के किनारे से महाराज जी दर्शन किया, और भवानी जी ने कहा अरे महाराज जी आ रहे हैं, और कितने समय के बाद तो महाराज आज मेरे घर पर आए, ऐसा करो इसको पीछे ले जाओ। उधर गाय का दूध उधरा था दूर पे ले जाके उसकी बॉडी को उधर रख दिया गया। उसने कहा यही रहना, जोर से मत रोना, महाराज जी आकर के चले जाएंगे तब जो भी होगा करेंगे। महाराज जी आए बोले भवानी सब ठीक है, भवानी जी ने देखो घर है पक्का करके था महाराज सब ठीक, बोला बहुत भूख लगी मैं खिचड़ी खा रहा, बोले महाराज आपको बनानी पड़ेगी आज मेरा स्वास्थ्य ठीक है, बोला हाँ मैं बनाऊंगा सामान दिया। तो महाराज जी ने खिचड़ी खाई भरा और सामान भवानी जी ने उन्हें दे दिया, जो भी था चावल दाल वगैरह दे दी था सब कुछ दिया, लेकर चमचा महाराज जी ने अपना पूरा जलाया और खिचड़ी बनाई, बोला खिचड़ी बना करके उस बच्चे का नाम लिया कि वो कहा है वो भी खाएगा मेरे साथ। बोले महाराज वो खेलने गया है आप खा लो। दूध बोले बेचारे वो नहीं चाहते थे कि गुरु जी को दूध, बोले नारा मेरे साथ तो वही खाएगा। अरे बोले महाराज वो अभी नहीं आ सकता है क्योंकि वो कहीं गया है। महाराज ने कहा मैं उसको कहीं नहीं है ढूंढ के ला, मेरे साथ खिचड़ी खाएगा। महाराज जी ने चित कर दिया, वो आप जानते हो दुनिया में पायलट जोकट बड़े खतरनाक होती, तो उन्होंने कहा कि ऐसा है कि महाराज कहाँ से आता है वो तो मर गया है, अब कहाँ आएगा खिचड़ी खाने के लिए, रो पड़े घुमा जी पागल है कहाँ मर गया कहा है उसका शरीर। बोले महाराज आओ तो देखो वही ले गए और देखा कि वहां पर वो सोया हुआ है, और महाराज जी गए और महाराज जी ने उसको देखा और उसके सर पे हाथ फेरा और जोर से उसकी पीठ में मार के कहा क्यों ऐसी नींद में सोया उठता भी नहीं। तो मरा हुआ बच्चा तुरंत चेतना खड़ा हो गया और खड़ा होकर के महाराज जी को प्रणाम किया, और उसने जो है करीब 85-86 वर्ष की पूरी आयु को काटा, उनके पोते पर खोते आज हेमल जिनको महाराज जी ने जीवित किया। तो महाराज जी की तो कृपा अपरंपार है, उनकी चमत्कार अपरंपार है, उन्होंने तो क्या क्या चमत्कार देखे हैं। आगे भी अगर ऐसा सहयोग बनेगा तो मैं आप सबको बोला हमारे मोहित जी के इस चरित्र